हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यो स्मार्ट न्यूज चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी खुशखबरी के बारे में, लेकिन साथ में एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है कि महाराष्ट्र में मुंबई की जो लोकल ट्रेन है, जी हाँ दोस्तों, वो जुलाई महीने में नहीं खुलेगी। तो जानेंगे इन दोनों खबरों को कि आखिरकार किन के लिए लोकल ट्रेन खुलेगी और किन के लिए लोकल ट्रेन नहीं खुलेगी इस जुलाई महीने में, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना जो है जजमेंट पास किया, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्जी पहचान पत्र पर टिकट की किटकिट, जी हां दोस्तों, इस समय लगातार लोकल में भीड़ बढ़ती जा रही है, जबकि सरकार के द्वारा अनुमति मात्र 10 से 12 लाख लोगों को है, लेकिन जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं कि प्रतिदिन 34 लाख से ज्यादा लोग लोकल में सफर कर रहे हैं। अब इस पर कड़ा लगाम लगाने के लिए सरकार ने QR कोड सिस्टम जनरेट किया है। इस QR कोड में क्या होगा, आपका फोटो लगा होगा, आपका नाम होगा, आप कंपनी जिस कंपनी से काम करते हैं, चाहे वो सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सेल्समैन हो या फिर आप दुकानदार हो, आपकी दुकान का भी स्टैम्प उस पर चलेगा। यानी कि प्योर जिसका है टिकट, यानी जिसको QR कोड जनरेट किया, सिर्फ वही लोग सफर कर सकते हैं। इसलिए फिर से QR कोड का जो सिस्टम है उसे सरकार ला रही है, और ये किन किन लोगों को मिलेगी, जिसे सरकार अनुमति देगी। अब बात करते हैं बॉम्बे हाईकोर्ट के उस जजमेंट के बारे में। मुंबई की लोकल ट्रेन में वकील को, यानी वकीलों को सफर करने को लेकर एक जो है याचिका डाली गई थी कि वकीलों को काफी दिक्कत हो रहा है उन्हें कोर्ट पहुंचने में, जिसकी वजह से काफी दिक्कत का सामना कर रही है। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा भी था कि जल्द से जल्द सरकार इस बारे में विचार करे, लेकिन आज के जजमेंट में बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र में जुलाई महीने से पहले लोकल ट्रेन में अनुमति नहीं दी जाएगी वकीलों को। यानी कि वकीलों को जो अनुमति देने का प्रोसेस था उसे अब रद्द कर दिया गया है, जुलाई के महीने के बाद ही इन्हें अनुमति दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही।